सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। तो भाई फाइनली काफ़ी टाइम बाद आज मौका मिला है अपनी स्कूटी पे एग्जॉस्ट लगाने का। तो जिस भाई के पास मैं सारा काम कराता हूँ स्कूटी का, उसके पास एग्जॉस्ट अभी फ़िलहाल में आ गया है, 2 दिन पहले आया था। तो भाई अब इसकी जगह लगाएंगे हम न्यू एग्जॉस्ट जो कि है एक्रोपविक। तो मैं दूसरा एग्जॉस्ट नीचे से लगवाऊँगा सीधा स्ट्रेट पाइप, इसको मैं अलग से रखूँगा, अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इसको लगा लूँगा। तो भाई मेरे को पता है भाई काफ़ी टाइम लगेगा वीडियो में, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो बिना टाइम वेस्ट करके सीधा चलते हैं दुकान पे, सीधा बताते हैं कैसे लगेगा। तो भाई फ़िलहाल मैं पहुंच गया था अभी दुकान के पास। तो अभी फ़िलहाल हम बैंड पाइप लेने आए हैं, ये पुरानी स्कूटी थी यहाँ कबाड़ से मैंने ले लिया है। अभी पता नहीं कितने का देगा भाई, रेट वगैरह का बाद में होगा, रेट मैं सबसे लास्ट में आपको सब चीज़ बता दूंगा। फ़िलहाल अभी भाई खोल रहा है तो इसको खोल के लेके चलते हैं दुकान, फिर लगाते हैं अपना एग्जॉस्ट। फाइनली खुला अपने बाइक का साइलेंसर, तो भाई अभी जोर लगाते हैं। अभी मैंने अपना साइलेंसर निकाल दिया है, अभी फिलहाल स्कूटी का आवाज सुनना लगा भाई। बस बस भाई काफी ज्यादा लाउड साउंड है। ये जो कबाड़ से लाए थे साइलेंसर, इसको काट रहे हैं। फाइनली बाइंड पाइप हो गया इंस्टॉल, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी कटिंग वगैरह करके बाइंड पाइप इंस्टॉल की है। और फिलहाल देख रहे हैं किस हिसाब से इसका एंगल सेट करना है। अब फिलहाल जाएंगे हम वेल्डिंग वाले के पास, उसके बाद वेल्डिंग से इसको पूरा फिट करेंगे, फिर लास्ट में आपको सब कुछ समझाऊंगा कि कैसे कैसे किया है। अभी हम आ गए हैं वेल्डिंग करवाने, तो वेल्डिंग का मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा दूंगा। My life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally see you looking down and... तो भाई अभी फिलहाल थोड़ी थोड़ी साइज में चोट मार के इसके बराबर कर रहे हैं, उसके बाद वेल्डिंग होगी। वेल्डिंग वगैरह करा के अभी फुट फिट कर दिया है, अभी भाई स्टार्ट करेगा। तो ये विदाउट डीबी किलर है, तो देख लो भाई क्या साउंड है। भाई खतरनाक साउंड है, बिल्कुल बहुत ज्यादा लाउड है भाई, खतरनाक डन है। अब बस इसको एक बार ढंग से फिट कर देते हैं, पत्ती वगैरह लगा के यहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, कहाँ से लगेगा, चलो देखते हैं जहाँ से भी लगे लगा देते हैं। एग्जॉस्ट हो गया प्रॉपर फिट, यहाँ पे हमने एक पत्ती लगाई है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ को, और काफी अच्छे से फिट हो चुका है ये, अभी फिलहाल गर्म है। तो अब चलते हैं एक राइट पे, फिर मैं दिखाता हूँ आपको कैसी साउंड आ रही है। भाई पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, मैं आ गया हूँ जरा खुले लोकेशन पे वीडियो बनाने के लिए। तो अब मैं पूरा समझाता हूँ कि कैसे कैसे किया है। जो ये जो सामने बैंड पाइप लगी है, ये हम महिंद्रा गेस्टो एक स्कूटी थी जो हमने कबाड़ से ली थी ये बैंड पाइप। उसके बाद यहाँ पे एक पाइप का पीस लगा है बैंड पाइप का, एक और थोड़ा मोटा है। फिर उसके बाद यहाँ पे लगा है एग्जॉस्ट के साथ आता है जो, उसको हमने कनेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने ये भी पिन भी कनेक्ट कर दिए साथ में, फिर स्प्रिंग से किया हुआ है।
और फाइनली एग्जॉस्ट लगा के एक ये पत्ती बनाई है वहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट। प्राइसिंग की बात करें तो भाई 2500 का ये था सिर्फ एग्जॉस्ट, उसके बाद 150 रुपये का ये बीच वाला बैंड पाइप जो था इतना सा पीस 150 का दिया बंदे ने। उसके बाद अभी हमने साइलेंसर लिया था, बाकी हमने इतना सा पाइप लिया, बाकी साइलेंसर उसको वापस कर दिया उसने हमको, हमसे 200 रुपये लिया। और ये वाली पत्ती तो फ्री में बन गई थी उधर दुकान पे रखी हुई, बस होल कराया 20 रुपये में, और बाकी पूरा जो वेल्डिंग हुआ उसने हमसे 300 रुपये चार्ज किया। कुल मिला के मेरे को 3200 का खर्चा है, 3200 का। और साउंड तो आपने सुनी ली होगी कि कैसी साउंड है, तो एक बार साउंड आपको मैं फिर से सुना देता हूँ। अभी डीवी किलर लगा हुआ है, डीवी किलर निकालूंगा मैं बाद में क्योंकि अभी मेरे पास एल की नहीं है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये थी कुछ इसकी साउंड। और डीवी क्लियर निकालने के लिए यहाँ पे एक नट दिया हुआ है ये सामने, जो कि यहाँ से खुल जाता है, इधर से यहाँ से ये वाला नट निकल जाएगा, 4 या 5 नंबर एल के से निकल जाता है आराम से, उसके बाद इसकी साउंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो भाई वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लेना, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का ज़रूर से रिप्लाई दूंगा, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। टाटा बाय बाय।